जय माता दी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कन्या राशि वालों मित्रों, आने वाले 24 घंटे आखिर कैसे व्यतीत होंगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यानी कि दिनांक 4 अगस्त 2023 का दिन मित्रों कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, आइए। बहुत खास वीडियो होने वाली है, एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनना और बड़े ही ध्यान से समझना। आइए सबसे पहले तो मित्रों हम नजर डालें अगर पंचांग पर, तो 4 अगस्त को शुक्रवार का वार है, साथ में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की मित्रों तृतीय तिथि है। और इस वक्त आप सभी को बता देते हैं कि शतभिषा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, वहीं शोभान एवं अतिगंड नामक योग भी बन रहा है, जो कि बड़ा ही शुभ योग है मित्रों। और अगर सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य तो वृषभ राशि में ही विराजमान रहेगा, लेकिन हाँ चंद्रमा की स्थिति बदल गई है मित्रों। चंद्रमा 11:18 तक कुंभ राशि में विराजमान रहेगा, उसके बाद मित्रों वह मीन राशि पर संचार करेगा। तो अब ऐसे में अंतरिक्ष में उपस्थित समस्त ग्रहों की चाल का एवं नक्षत्रों की चाल का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन से शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेंगे, कौन से अशुभ समाचारों की प्राप्ति आपको होगी, क्या सावधानियां आपको बरतना पड़ेगी और किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, समस्त बातें समस्त ग्रह गोचर की चाल के आधार पर हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए मित्रों सबसे पहले तो सिर्फ वही भक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जो अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं, और कमेंट बॉक्स में मित्रों 7 बार जय संतोषी माता अवश्य ही लिख दीजिएगा। माता संतोषी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी और आपके घर को अन्न धन से भर देगी। तो आइए मित्रों इस वीडियो में अंत तक इसलिए बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपके लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय एवं सिद्ध मंत्र लेकर आए हैं जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। तो चलिए अब मित्रों वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए एक छोटे से अनमोल विचार से। तो मित्रों हमारे गुरुजी कहते हैं कि मौन रहना उचित नहीं है। मित्रों कहते हैं कि मौन रहना उचित नहीं है, क्योंकि अगर जहां पर गलत हो रहा है वहां पर अगर आप मौन रहेंगे तो मित्रों यह कलयुग है, यहां फिर आपको हर कोई दुख देगा, हर कोई तकलीफ देगा। मौन रहना कभी कभी जीवन में अच्छा भी रहता है मित्रों। मौन रहना वहां पे उचित है कि मित्रों इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई है क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया है। तो गुरु जी के इस ज्ञान को अपने जीवन में अमल करते हुए मित्रों हम बात करेंगे कि आपके आने वाले 24 घंटे कैसे व्यतीत होंगे। मित्रों आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा, आपको बता देते हैं कि इस वक्त अपने उन संबंधों को बचा कर रखें जिन संबंधों ने बुरे वक्त में आपका हाथ थामा था, क्योंकि मित्रों आपके ऊपर फिर से कोई नई मुसीबत आने वाली है। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें क्योंकि अचानक उनके स्वास्थ्य में गिरावट आने की वजह से आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी। मित्रों ये जो स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हो रही है ये मौसम की वजह से हो रही है, क्योंकि मौसमी बीमारियां परेशान कर रही है। वहीं आपको बाहर का खाना खाने से बिल्कुल परहेज करना है मित्रों। खुले में किसी ठेले का बिल्कुल भी खाना नहीं खाएं, और इस वक्त जो लोग नौकरी कर रहे हैं
नौकरी करने वाले जातक को छुट्टी मिल सकती है और उस छुट्टी के दौरान आप अपने परिवार को किसी यात्रा पर भी लेकर जा सकते हैं। मित्रों, इस वक्त पहाड़ों में घूमना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि वहां के नज़ारे आपके मन को लुभाएंगे और आपके जीवन के आधे तनाव दूर करेंगे। वहीं आपने पहले जो गलती की थी सबको अपना मानने की और सबको अच्छा मानने की, उस गलती को इस बार ना दोहराएं, क्योंकि कुछ स्वार्थी लोग आपके जीवन में इस वक्त मित्रों दखलंदाजी देंगे। वहीं समय की मर्यादा को समझें और कुछ काम मित्रों आपको समय रहते पूरे करने होंगे। वहीं मित्रों जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा आपको बेकार के विवादों में पड़ने से बचना है, क्योंकि आने वाले समय में कुछ विवाद ऐसे होंगे कि अगर आप तीसरे व्यक्ति बनकर उसमें टांग अड़ाएंगे, आपकी छवि खराब होगी वो अलग, आपकी बदनामी होगी वो अलग, लोग आपके मुंह पर थू थू करेंगे वो अलग। हाँ, यदि आप चाहें तो अपने घर पर किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए मित्रों निमंत्रण दे सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि ब्राह्मण को भोजन कराने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। वहीं मित्रों जिन जातक का बिजनेस पिछले लंबे समय से ठप पड़ा हुआ था, मंद मंद चल रहा था, अचानक धंधे में उछाल देखने को मिलेगा। पैसा रखने की जगह नहीं मिलेगी, पैसा रखने के लिए तिजोरियां खरीदनी पड़ेगी। मित्रों ग्रह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि जिन जातक के जीवन से दिक्कतें दूर होने का नाम नहीं ले रही थी, वे जातक अब खुशी खुशी इस समय को बिताएंगे। अपने जीवन साथी के मित्रों परिवार की तरफ से कोई सुखद समाचार सुनने को मिल सकता है और हमारे जो भी जातक प्रेम जीवन से जुड़े हुए हैं, यानी कि प्रेम जीवन वाले लोग अगर प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो अपने परिवार के लोगों को बता दें, क्योंकि यह समय अति उत्तम चल रहा है। अगर रजामंदी से सब कुछ हुआ तो मित्रों बहुत अच्छा होगा, और अगर आप मित्रों कुछ गलत कदम उठाने की सोच रहे हैं तो हजार बार सोच लेना किसका मित्रों अंजाम क्या होगा। हम आपको बताएंगे कि परिवार को व्यवस्थित बनाकर रखना होगा, तो आइए अब कुछ चमत्कारी उपाय हैं जान लीजिए मित्रों, और इन चमत्कारी उपायों को अपनाकर अपने जीवन को स्वर्ग बना लीजिए। मित्रों ध्यान से सुनिएगा कि सनातन धर्म में मोर को धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती से संबंधित माना जाता है, इसलिए घर में मोर पंख लगाने से धन और बुद्धि दोनों ही साथ साथ प्राप्त होती है। मोर पंख को पूर्व या दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि मित्रों मोर जो होता है वह धन की देवी यानी कि लक्ष्मी जी से भी संबंध रखता है। और मित्रों आपको बता देते हैं कि दूसरा जो है हमारी सरस्वती देवी जी से भी संबंध रखता है। वही मित्रों भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का एक सरल उपाय है, शिव जी को अभिषेक करने के लिए गंगा जल से शुरू करें और फिर उसी से गन्ने का रस, शहद, दही, दूध आदि जितने भी तरल पदार्थ हैं उनसे अभिषेक करें। इसके बाद भगवान शिव का चंदन से लेप लगाएं और फिर उनके पान का पत्ता, सुपारी आदि सभी चीजें अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव के भोग के लिए जो व्यंजन रखे हैं उनको अर्पित करें। मित्रों यह एक सरल तरीका है भगवान शिव को प्रसन्न करने का, भगवान शिव की पूजा करने का।
वीडियो की समाप्ति अब यहीं पर होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा और दैनिक राशि फल एवं रोजाना ज्ञानवर्धक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाइए।